राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, भारत को परम वैभव पहुंचाने के मुद्दे पर, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर जी, अगर विपक्ष आ जाएगा तो हमारे देश से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। कौन आ जाएगा तो हिंदुत्व? विपक्ष का सत्ता आ जाएगा तो जी, कारण कि विपक्ष का ही एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व को बर्बाद कर देना। दोनों उम्मीदवार अच्छे हैं। अच्छा। और दोनों उम्मीदवार में जिसको जिसको मन जिसको हुआ उसको वोट दिया। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है देश भर में। आज पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जिन 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं उनमें गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद है। न्यूज़ फॉर नेशन की टीम जो है लगातार इन 4 लोकसभा सीटों पे मौजूद है और इन 4 लोकसभा सीटों पे वोटरों से बात करें और किन मुद्दे पे वो वोट करें वो जानने की कोशिश कर रही है। अभी हम गया संसदीय क्षेत्र में और यहाँ पे कुछ युवक जो है वो भीड़ लगाए हुए हैं, उनसे जानेंगे और समझेंगे कि इस बार किन मुद्दे पे ये वोट किए हैं। कुमार मेरा नाम हुआ। क्या किन मुद्दे पे आज वोट कर रहे हैं? हम विकास के नाम पर मुद्दे कर रहे हैं वोट, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं कि क्योंकि वो जाएंगे तो केंद्र में जाएंगे तो एक एक वोट मोदी सरकार को जाएगा, केंद्र में जाएंगे तो, और 400 पार जो नारा है वो 400 पार हम लोग करेंगे और केंद्र में पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। और देश में जिस तरह से पिछले सरकार में विकास की गंगा बही है, इस बार भी उससे ज़्यादा होकर विकास की गंगा देश में और बहेगी। एक चीज़ बताइएगा कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार पर भरोसा है या जिन प्रधानमंत्री की आप बात किए, 400 की बात किए, उन पर भरोसा है? देखिए, स्थानीय उम्मीदवार तो हैं ही लोकप्रिय, इनको तो पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, तो बिहार के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके कम समय में बहुत से ऐसे काम हैं उस पर भी लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। क्या नाम है? हमारा शिवानंद कुमार नाम हुआ। क्या लगता है किन मुद्दे पर आज वोट किए? वोट किए हैं। किन मुद्दे पर वोट किए? अच्छा, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा हम अपना मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, प्रयोग करने आए हैं। मुद्दा में दोनों पार्टी से हम सहमत नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पार्टी ही सिर्फ अपने स्तर के लिए और अपने विस्तार के लिए ही सिर्फ यहाँ पे लगी हुई है। आप बस मताधिकार का प्रयोग, अपना मताधिकार, कौन प्रत्याशी सही है, दो में से एक जो सही है उसको हमने मताधिकार मत प्रयोग किया, ऐसा कोई कुछ। क्या नाम है? महेश शर्मा। किन मुद्दे पे वोट किए? वोट किए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, भारत को परम वैभव पहुंचाने के मुद्दे पर, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर। अच्छा, विपक्ष लगातार बेरोजगारी और महंगाई की सवालों पे केंद्र सरकार को घेरते रहती है। विपक्ष अगर घेरता है तब सोचजनक सब लगता है कि जो विपक्ष 60 से 70 साल इस देश में राज किया उस दिन भी महंगाई नहीं थी, उस दिन बेरोजगार लोग इस देश में नहीं थे। अब मोदी जी की सरकार आने के बाद इनको बेरोजगारी लोक रही है और महंगाई लोक रही है। आकलन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। उस समय गैस में राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आप वोट किए? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। क्या नाम है? हम लोग यहाँ के नहीं है। यहाँ के नहीं है, और कौन है यहाँ? यहाँ के जी, यहीं के वोट कर दिए? हाँ जी। किन मुद्दे पे वोट किए? हम वोट किए हैं तो सच पूछिए तो हिंदुत्व को बचाने के लिए किए हैं। अच्छा, हिंदुत्व को बचाने जी, अगर विपक्ष आ जाएगा तो हमारे देश से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। कौन आ जाएगा तो हिंदुत्व? विपक्ष का सत्ता आ जाएगा तो जी, कारण कि विपक्ष का ही एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व को बर्बाद कर देना, अगला जो है उग्रवादी को जन्म देना। हाल में गया है थे वो कांग्रेस पे, हिंदू पे जो कटाक्ष किया गया था, हिंदू धर्म सनातन धर्म पे उसकी वो बात किए थे। हाँ जी, तो वही तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं ना आप बोल रहे हैं, विपक्ष नहीं, अपना अनुभव हम बता रहे हैं। अपना अनुभव बता जी, विपक्ष का मुद्दा हिंदुत्व को दबा देना। विपक्ष का मुद्दा ही हिंदुत्व, बस 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 उसका हिंदुत्व का विरोध करना। क्या नाम है? हमारा नाम संजय कुमार। वोट कर दिए? वोट कर दिए। क्यों वोट किए आज? क्या मुद्दा था वोट करने का? विकास के नाम पर वोट किए, जो विकास करेगा उसको वोट किए। तो स्थानीय जो उम्मीदवार है उन पे भरोसा है या जो केंद्र में मोदी सरकार है उन पे भरोसा है? दोनों उम्मीदवार अच्छे हैं। अच्छा। और दोनों उम्मीदवार में जिसको जिसको मन जिसको हुआ उसको वोट दिया बस। एक तो कहते एक उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी आए थे वो कह रहे थे कि जो राजद है वो भ्रष्टाचार, अरे वो सब कुछ नहीं, जिसको मन है उसको वोट दिया और सब बढ़िया है, दोनों बढ़िया है, सब बढ़िया है। क्या नाम है? कोई खराब? हमारा अनुज कुमार नाम है। अनुज कुमार, किन मुद्दे पे वोट किया आज? हम विकास पर किए। विकास पे किए? अच्छा, जो लोग वोट करने नहीं आ रहे उनके लिए क्या कहेंगे? वोट करना चाहिए? हाँ, वोट तो करना चाहिए। करना चाहिए।
क्योंकि ये बेलागंज है, यहाँ पे तो काफी संख्या में लोग हैं, लेकिन बगल में जो हाई स्कूल है वहाँ पे काफी कम संख्या में वोटर पहुँच रहे हैं। लुक है भी अच्छा, लुक है, गर्मी के दिन है। अच्छा, आज धूप जो है वोटरों के लिए परेशानी का समय है, लगन भी है। अच्छा, लगन भी है। क्या नाम है? विनोद शर्मा। क्या लगता है आज जो धूप है इसमें वोटर पे कुछ असर पड़ा है? असर किससे पड़ेगा? वोट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वोट एकदम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब धूप ऊप से कोई डर ना? कोई डर ना। तो ये स्थानीय लोग थे, बेलागंज में हम मौजूद हैं, ये बेलागंज का बाजार है। काफ़ी संख्या में जो वोटर है अभी भी जो मतदान केंद्र है वहाँ पे जमे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बारी बारी से लोग वोट कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ फाउंडेशन पे बने रहें। न्यूज़ फाउंडेशन लगातार उन चार लोकसभा सीटों का अपडेट, पल पल का अपडेट बता रही है, और शाम तक आपको जो है इन चार लोकसभा सीटों का हाल न्यूज़ फाउंडेशन लगातार बताते रहेगी। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए अभिजीत गया।